हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके सामने एनडीए का 2018 वेक्टर्स चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हम इससे पहले 2016 और 2017 के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों ही इयर्स में 10-10 क्वेश्चंस आए थे, ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस निकल रहे थे। अभी आज हम 2018 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 2018 में टोटल वेक्टर से 13 क्वेश्चन आए हैं एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड एग्जाम में, तो एवरेज अगर देखा जाए 6 क्वेश्चंस का एवरेज आ रहा है। अगेन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बेसिक्स पर इन्होंने काम किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम बाकी टॉपिक्स के भी ईयर वाइज क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों का क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन हम इसमें क्या कहता है। ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट, ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 7 दिया है, ए क्रॉस बी 3i प्लस 2j प्लस 6k दिया है। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, वो भी कौन सा एक्यूट। तो सबसे पहले इसने हमें क्रॉस दिया है, हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स मैग्नीट्यूड लगाएंगे। मैग्नीट्यूड लगाने से यहां पर जो डायरेक्शन आती है एन कैप, वो नहीं आएगी, बीच के एंगल का साइन। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है 9 + 4 + 36। वैल्यूज पुट करिए, 2 7 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 49 का अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 जो कि वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की। सो व्हाट इज एक्यूट एंगल बिटवीन देम, 30 डिग्री, यानी कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनडीए 2018 में ही पूछा गया है फर्स्ट में। लेट पी एन क्यू विद द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स पी एन क्यू रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, द पॉइंट्स आर एंड एस। इसने कहा कि दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इनके पोजिशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। पी का पी है पोजिशन वेक्टर और क्यू का क्यू है पोजिशन वेक्टर। क्या कहता है ये, पॉइंट जो आर और एस हैं, वो पी क्यू को डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली रेस्पेक्टिवली। यानी पी क्यू को रेस्पेक्टिवली वर्ड है, तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है आर, किस रेशो में, 2:3 में। तो थोड़ा ढंग से बना लेते हैं इसे, 2:3, यहां पर हमने आर लिखा, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। तो अगर हम आर का पोजिशन वेक्टर देखें, तो ओ आर किसके इक्वल होगा बेटा, 2 इस वाले के साथ, 3 इसके साथ, यानी कितना, 3p + 2q / 3+2 = 5, कंडीशन नंबर 1। एंड जो एस है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। आप 2:3 इधर तो नहीं ले सकते, पी से 2 तो नहीं बैठेगा। हाँ, यहां हम लेंगे एस, तो पी से 2 है, ठीक है, और एस से क्यू से कितना है, 3। कौन सा पॉइंट है ये, एस। तो इसका भी अगर पोजिशन वेक्टर देखा जाए, ओ एस एक्सटर्नली डिवाइड है इधर वाले पार्ट के साथ पी, यानी कितना, 3p, और इस पार्ट के साथ ये -2q / 3 - 2 = 1, सेकेंड कंडीशन। क्या देता है ये, OR और OS दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। OR परपेंडिकुलर टू OS, परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है, 0, यानी 3p + 2q / 5 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3p - 2q / 1 के साथ 0। तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, देखो 5 तो उधर 0 चला ही गया, आप डायरेक्ट करिए, 3 3 = 9, पी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इधर से -4q² = 0, या 9p² = 4q², तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट 2018 में है। What is the moment? Moment का question देखो, 16 में भी था, 17 में, 18 में भी आया है। क्या कहता है ये? What is the moment of the point? Sorry, about the point. किस point के about है? 1, 2, -1. Of a force, कोई force है, कितना है force? 3.
आई जे कोफिशिएंट है ही नहीं, के का वन। एक्टिंग कहां पर ये एक्ट कर रहा है, थ्रू द पॉइंट, किसी एक पॉइंट मान लेते हैं टू आई माइनस जे थ्री के। तो ये पूछ रहा है मोमेंट क्या है। मोमेंट आपको पता है हमेशा आर क्रॉस एफ होता है। डिटरमिनेंट निकलेगा आई जे के, फर्स्ट रो में आर, सेकेंड में एफ, एफ है 301। और अगर आप आर के लिए बात करें तो व्हाट इज आर, दिस वन। सो मैं यहीं पर लिखूं आर, टू माइनस वन कितना वन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, थ्री माइनस माइनस फोर, यानी कितना हो जाएगा, लिख देते हैं यहां पर वन माइनस थ्री फोर। सॉल्व करना आप सभी लोगों को आता है, अगर सॉल्व कीजिएगा आई कितना आएगा, ये माइनस का 3i, आगे बढ़िए j पर कितना आएगा 1 माइनस 12 यानी माइनस 11, और j पर भी माइनस होता है प्लस 11j, और k पर जाइएगा तो कितना आएगा प्लस 9k, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आपको गिवन था वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर सी 0, और आपसे पूछा गया है कि अगर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू है लैम्डा बी क्रॉस सी के, तो बताइए लैम्डा किसके इक्वल है। बेसिकली यहां से हमें आइडिया हो गया क्या कि हमें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, ये सब हमें चाहिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी चाहिए, तो जो ये फर्स्ट कंडीशन है इसमें बी से क्रॉस कर दिया। देखिए क्या बनेगा, ए क्रॉस बी यहां पर भी, टू बी क्रॉस बी प्लस थ्री सी क्रॉस बी बराबर जीरो। सेम वेक्टर्स की क्रॉस होती है जीरो, यानी ए क्रॉस बी को हम लोग बोल सकते हैं माइनस थ्री सी क्रॉस बी, या अगर हम माइनस ले लें तो थ्राइस बी क्रॉस सी। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ए क्रॉस बी। तो हमने ए क्रॉस बी को, तो देखिए बेटा हमने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी के टर्म्स में निकाला। अब हम बात कर रहे हैं सी क्रॉस ए के लिए। हमारे पास ये कंडीशन है, इस बार हमने क्रॉस करी किससे, सी से। कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए प्लस ट्वाइस सी क्रॉस बी प्लस थ्राइस सी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। सेम की क्रॉस जीरो होती है, यहां से सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस टू सी क्रॉस बी, या हम इसे माइनस को अरेंज करें तो सी क्रॉस ए किसके इक्वल है, ट्वाइस बी क्रॉस सी। अब ये सारी वैल्यूज आप अपने यहां पुट करिए, देखिएगा ए क्रॉस बी की जगह कितना रखोगे, थ्री बी क्रॉस सी, B क्रॉस C ऑलरेडी है ही, C क्रॉस A की जगह कितना रखोगे, ट्वाइस B क्रॉस C, तो ये 2, 1, 3 कितना हो जाएगा, 6 B क्रॉस C। राइट साइड में क्या है, लैम्डा B क्रॉस C, कंपेयर करोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 6। तो यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इन्होंने कहा है द वेक्टर्स वेक्टर K एंड A आर पैरेलल। इसने कहा है वेक्टर के और वेक्टर ए पैरेलल है एक दूसरे के, तो के के क्रॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है। ये स्केलर है इस समय पर, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वेक्टर पार्ट को देखेंगे। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो वेक्टर, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इन्होंने हमसे कहा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो, बी का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर होल्स इफ एंड ऑनली इफ कब। तो बेटा अगर इसे देखते हैं तो ये तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड बी ट्वाइस ए डॉट बी, किसके इक्वल, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड बी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, जीरो, यानी ए हो जाएगा किसके परपेंडिकुलर, बी के। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है, जिसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सॉल्व करना है इसलिए मैं कर रही हूं इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आया था आपका. वेक्टर आर दिया था एक्स आई वाई जे जेड के, और हमसे कहा गया था कि आर डॉट आई प्लस जे प्लस के बताइए. तो सीधे सीधे है डॉट आई आई वाले प्लस जे जे वाले प्लस के वाले, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है 28 में, अ यूनिट वेक्टर, कोई एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, 1. कहता है कि ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है 2i माइनस j प्लस k के, एंड परपेंडिकुलर है 3i माइनस 4j माइनस k के. कहता है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी. बेटा लेंदी मेथड से तो आप जा ही सकते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कीजिए, डॉट प्रोडक्ट 0 रखिए क्योंकि परपेंडिकुलर है, यूनिट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 रखिए. बट ऐसे पड़ता है ये लेंदी, क्या ट्राई कीजिए यहां पर, हिट एंड ट्रायल अप्रोच. देखिए मैंने पहला ऑप्शन लिखा 1/√3i, 1/√3j, 1/-1/√3k. क्योंकि ये परपेंडिकुलर कह रहा है, हम चेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है या नहीं. मैग्नीट्यूड रूट थ्री सभी में है तो लिखने की जरूरत नहीं करते. देखिए आई आई वाले 2, जे जे वाले माइनस 1, के वाले माइनस 1, 0 आ रहा है, इट कुड बी द आंसर. थर्ड से और चेक करिए, आई आई वाले 3, जे जे वाले माइनस 4, के वाले माइनस माइनस प्लस 1, कितना आ रहा है, 0. यानी आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन. बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है. चलिए नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 29 पर. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में इन्होंने हमसे कहा कि ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 4, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है 5, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी पूछा है. हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर. सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है. देखेगा ए माइनस बी 5 है, 25 प्लस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ए प्लस बी ट्वाइस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा. यहां से स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 16, 9, 25, 2 50 माइनस कितना हो जाएगा 25. तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 5. यानी आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से 30th क्वेश्चन. इन्होंने कहा ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी ए डॉट बी भी 0 है, बी डॉट सी भी 0 है और सी डॉट ए भी 0 है. कहता है इफ वेक्टर ए, इन्होंने कहा है ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर बी कहते हैं ए माइनस बी प्लस सी, एंड वेक्टर सी ए माइनस बी माइनस सी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. भाई ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहा है तो एक तरह से इन्हें आप आई जे और के कंसिडर कर लीजिए. अगर आप इन्हें कंसिडर करते हैं और यहां देखें तो जो मैग्नीट्यूड ए का है रूट थ्री, वही मैग्नीट्यूड बी का भी है रूट थ्री, और वही मैग्नीट्यूड सी का भी है रूट थ्री, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से. इन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है एक ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी. वेरी इजी क्वेश्चन, नॉर्मल क्रॉस करनी है आपको. पहले एक ही कीजिए, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी. अब बी की कीजिए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी. सेम की क्रॉस हमेशा होती है 0, ए क्रॉस बी हमेशा एज इट इज. इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी किसके इक्वल, ट्वाइस ए क्रॉस बी. यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बेटा, ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट देखिएगा 2018 से क्वेश्चन. इन्होंने कहा था अ स्पेस क्राफ्ट लोकेटेड एट
आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, यानी इसने स्पेस क्राफ्ट की पोजिशन आपको दे रखी है 1, 2, 3। बोलता है कि इस पर जो फोर्स लगता है फायरिंग रॉकेट से, लैम्डा के का फोर्स है। द स्पेस क्राफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यानी आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड। अब देखिएगा यहां पर सब इस पॉइंट पर फिक्स है, यानी ओरिजिन हमारा 0, 0 है, तो हमारा आर सीधे सीधे यही होगा। निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आई जे के वेक्टर प्रोडक्ट है 1, 2, 3, कितना है यहाँ पर 0, 0 लैम्डा, और इसका अगर आप करते हैं सीधे सीधे लैम्डा पे कीजिएगा तो कितना आएगा मॉडुलस ऑफ 2i - j। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, साथ में लैम्डा भी है, तो लैम्डा अंडर रूट 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बेटा, सी। देखिएगा 2018 में आया हुआ वेक्टर से लास्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा था इफ इन अ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, वो कहता है कि अगर इसकी साइड्स को ऑर्डर में लिया जाए तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। आप देख सकते हैं 4 स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं। अब जिस बच्चे को बेसिक नहीं पता है वो 1 by 1 सभी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन जिसे बेसिक पता है, तो मैंने भी अपनी क्लासेस में कई बार बताया है, किसी भी ट्रायंगल के बनने की नेसेसरी कंडीशन होती है कि अगर उसकी साइड्स को आप साइक्लिक ऑर्डर में ले रहे हैं ए बी, बी सी और सी ए, तो इनका वेक्टर एडिशन हमेशा 0 होना चाहिए, यानी आपका 1 स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही है। बात आती है अब कि बाकी के स्टेटमेंट सही है या गलत, तो आप देखिएगा सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने ए बी प्लस बी सी तक तो वही रखा, सी ए को इन्होंने लिख दिया माइनस सी ए, तो एब्सोल्युटली गलत है। इसी तरह से थर्ड में ये बी सी को माइनस बी सी कर रहे हैं, गलत हो जाएगा, एंड फोर्थ में ये बी सी तो माइनस ही रखा लेकिन ए बी को क्या कर दिया इन्होंने बी ए, जबकि होना क्या चाहिए था नेगेटिव, तो ये भी गलत है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने देखिए 2018 के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करे हैं, टोटल 13 क्वेश्चंस हमारे आए हैं, यानी अगर एवरेज निकाला जाए 6 क्वेश्चंस का एवरेज आता है। आप मेरी पिछली वीडियोस में 16 और 17 के क्वेश्चन डिस्कस करें वहां, और 18 में एनालाइज कीजिएगा तो डॉट प्रोडक्ट से, परपेंडिकुलर से, कोप्लेनर से, वेक्टर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उससे सिर्फ एक एप्लीकेशन आ रहा है कोप्लेनर वेक्टर्स का, तो ऑन एन एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन हम लोग मानते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसका मतलब मिनिमम 10, और अगर मैक्सिमम पे जाए हम लोग तो 15 मार्क्स हमारा वेक्टर पोर्शन कवर करता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के कंसेप्ट यहाँ पढ़ाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनकी नई वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।